हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आपको मैं बता दूं, एक ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है कि डेलिट थर्ड सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट किया जाता है और बीएड 2020 छात्रों के लिए खबर है, खासतौर पर अवध यूनिवर्सिटी के लिए खबर है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आप डेलिट हो, बीएड के छात्र हो, तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से सारी अपडेट यहाँ पर मिल सके। चलिए क्या है न्यूज देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है आपने मेरे से पहले ही आपने इस वीडियो को देख लिया हो। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि ये लेटर जब आया तो मैं इसको ऑफिशियल साइट पर देखने चला गया, क्योंकि यार इस चैनल पर मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी आपको र्यूमर, कोई भी आपको फर्जी चीजें इस चैनल पर बता दिया जाए। देखो ये लेटर जो है 17 तारीख को जो है जारी किया गया है, ठीक है, 17 अगस्त को ये लेटर आया है। तो जब ये लेटर एक बच्चे ने मेरे पास भेजा कि सर आप देखिए क्या ये लेटर सही है कि नहीं सही है, क्योंकि बच्चे कहीं भी कोई न्यूज देखते हैं तो एक बार मुझसे जरूर क्लियर करने आते हैं। तो मैंने इस लेटर को देखा तो मैंने जो है इसकी ऑफिशियल साइट चेक की, एससीआरटी की ऑफिशियल साइट, पीएनपी की, सभी जगह पर मैं चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी मुझे ये लेटर कहीं पर भी नहीं मिला, ना ही कहीं पर अपलोड हुआ है ऑफिशियल साइट पर। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये लेटर जरूरी नहीं कि फेक लेटर हो, ये लेटर सही भी हो सकता है, क्योंकि होता क्या है कि कभी-कभी लेटर आता है लेकिन ऑफिशियल साइट पर अपलोड करने में समय भी लग जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं ये लेटर जो है 90% सही है और 10% मैं इसको फेक की तरफ चला जाऊंगा। रीजन उसका यही बनता है कि अभी तक इसको ऑफिशियल साइट पर नहीं डाला गया है। और आपको मैं अगर बता दूं तो यहां पर जो है आप देख सकते हो ये 17 अगस्त को ही लेटर आया, यानी कि एक दिन भी हो चुका है और अभी भी ऑफिशियल साइट पर लेटर नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो है लेटर सही भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी होगा आपको एक दिन के बाद में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये लेटर सही था या लेटर नहीं सही था। ठीक है, वो तो पीएनपी से बात करने पर वो सारी चीजें पता लग जाएंगी। अब अगर मैं आपको बात करूं कि इस लेटर में आखिर में ऐसा लिखा क्या है, तो इस लेटर में यही लिखा हुआ है कि डेलिट थर्ड सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर में भेज दिया गया है और सिर्फ उन्हीं छात्रों को जो है प्रमोट किया गया है जिनका सेकेंड सेमेस्टर में कोई बैक नहीं था। ठीक है, अगर किसी भी छात्र का सेकेंड सेमेस्टर में बैक था तो उनको जो है प्रमोट नहीं किया गया है। सेकेंड सेमेस्टर वालों का पेपर होगा और साथ ही में उनका थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर होगा, लेकिन जिनका सेकेंड सेमेस्टर में कोई भी बैक नहीं है उनको थर्ड सेमेस्टर से प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर में भेज दिया गया है, ये इस लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, ये लेटर सही भी है, 90% मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं दिख रही हैं जो मुझे फेक की तरफ जो है इशारा करती हूं। हां, बस यही एक थोड़ा सा जो है डाउट आता है क्योंकि अभी ये ऑफिशियल साइट पर नहीं है, तो जैसे ही ऑफिशियल साइट पर आएगी इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसी साइट के चक्कर में, देखने के चक्कर में, मैं जो है वीडियो को थोड़ी सी लेट भी आपको दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है यार वीडियो को सही तरीके से पहुंचाना बच्चों के साथ, ऐसा नहीं, क्योंकि आप लोग चैनल पर इतना ट्रस्ट करते हो कि अगर मैंने एक बार बता दिया कि लेटर सही है तो फिर आप लोग किसी से कुछ नहीं पूछोगे, सीधा इसको सही मान लोगे। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि 1 से 2 दिन का वेट कर लीजिए, जैसे ही ऑफिशियल साइट पर आ जाएगी, ऑफिशियल साइट पर जैसे ही अपलोड होगा ये पीडीएफ, तुरंत ही समझ लीजिए कि आप प्रमोट हो गए हो। ठीक है, चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चेक्सु जो है वो यूपी टेट की जो है स्टडी गाइड लेकर आई है, जिसमें आपको 2 सॉल्व पेपर 2018 और 2020 के मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको 3000+ जो है अध्यायवार जो है आपको प्रश्न भी इसमें मिल जाते हैं देखने को। साथ ही अगर हम आपको बताएं तो पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है कि किस सिलेबस से कितने नंबर जो है आ रहे हैं, आप नीचे देख पा रहे हो किस टॉपिक से कितने नंबर आ रहे हैं, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। ये बुक जो है आपको मार्केट में किसी भी दुकान से, नीचे लिंक दिया आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया, आप नंबर पर कॉल कर भी इस बुक को जो है ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को दिया गया है, और साथ ही में अगर हम इसमें बात करें तो एक्सप्लेनेशन भी इस बुक की बहुत ही अच्छे से दी गई है। साथ ही में अगर हम आपको बताएं तो इसके स्क्रीन पर जो है आपको ये बुक दिख रही है, इस बुक को भी अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी सब्जेक्ट वाइज भी बुक आती है, तो इन बुक को भी आप खरीद सकते हो, लिंक दिया है नीचे और नंबर दिया है नीचे, कॉन्टेक्ट करके जरूर ऑर्डर करें। बात कर लेते हैं हम लोग अगली जो न्यूज है बीएड 2020 छात्रों के लिए। देखो सीएसजेएमयू और अवध यूनिवर्सिटी, अगर हम इनकी बात करते हैं, सबसे पहले मैं सीएसजेएमयू, डीडीयू और आगरा यूनिवर्सिटी की बात करता हूं। आगरा यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूं तो आगरा यूनिवर्सिटी के छात्रों को जो है प्रमोट कर दिया गया है, ऐसा प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला है। ठीक है, हालांकि ऑफिशियल साइट पर आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है। वहीं पर डीडीयू की बात करें तो यहां भी प्रिंट मीडिया के अकॉर्डिंग जो है इनको प्रमोट कर दिया है। पहले जो है इसमें ऐसा बताएं कि वो न्यूज़पेपर के माध्यम से निकल कर आया था, लेकिन उसके बाद से कोई अपडेट किसी यूनिवर्सिटी का नहीं मिल रहा है। हालांकि मैं वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था डीडीयू और आगरा पर, क्योंकि डीडीयू और आगरा पर कोई भी अपडेट नहीं मिल रही है, और बहुत से बच्चे जो हैं बीएड 2020 बैच के बच्चे जो हैं बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर आप बीएड 2020 बैच की क्यों नहीं अपडेट देते हो। यार इस चैनल का मेन काम है, जब तक अपडेट नहीं मिलेगा आपको अपडेट इस चैनल के माध्यम से नहीं दी जाएगी। और लेकिन अगर मैं बताऊं तो डीडीयू और आगरा के बारे में अभी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग 99% जो है प्रमोट हो। ठीक है,
तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बस थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। कि अगर मान लो पेपर करवाने का इनका मन हो, क्योंकि अब कॉलेज यूनिवर्सिटी खुली रही है, हो सकता है इनका मन ही कह दे कि चलो हम पेपर करवा लेते हैं, तो आप लोग एकदम से तैयार रहिए। अब बात करते हैं CSJMU की। CSJMU की बात करें तो 90% यूनिवर्सिटी में अब जो है CSJMU की सेकेंड ईयर की फीस जमा होनी शुरू हो चुकी है। अगर आपकी कॉलेज में, अगर आप CSJMU से हो और आपकी कॉलेज में अगर अभी भी फीस नहीं जमा हो रही है, तो आप वेट करिए, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके इस कॉलेज में भी जो है सेकेंड ईयर की फीस जमा हो जाएगी। तो अगर सेकेंड ईयर की फीस आपकी जमा हो रही है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जो है फर्स्ट ईयर में आप प्रमोट कर दिए गए हो CSJMU की। अगर मैं बात करता हूँ, वहीं पर अवध यूनिवर्सिटी से जो एक अपडेट निकल कर आई है, उस अपडेट के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अवध यूनिवर्सिटी में अब अपडेट मिली है कि अवध यूनिवर्सिटी में विभिन्न कॉलेजों में अब एग्जामिनेशन फीस जो है फर्स्ट ईयर की भरने शुरू हो चुकी है। अगर आपके यूनिवर्सिटी में नहीं, अगर आपकी कॉलेज में अभी नहीं भरा जा रहा है, तो आप 7 दिन का वेट करिए, आपकी कॉलेज में भी जो है एग्जामिनेशन फॉर्म जो है भरा जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत से, लगभग जो है कल से मेरे जो है इंस्टाग्राम पर कम से कम 20-25 बच्चों ने कहा है कि मेरा 19 तारीख से जो है डेट बताया गया कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, किसी ने 25 तारीख को बताया, कहीं कहीं 15 से ही भरा जा रहा है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है अवध यूनिवर्सिटी में भरा जा रहा है, तो ये एक अच्छी साइन है, पॉजिटिव साइन है, कम से कम अवध यूनिवर्सिटी अब जो है कुछ काम अपना आगे बढ़ा रही है। देखो, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अवध यूनिवर्सिटी में सबके इकट्ठे ही जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएं। अब धीरे धीरे जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरा जाना शुरू हो चुका है। अगर आप में से कोई भी अवध यूनिवर्सिटी का छात्र है और इस वीडियो को देख रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपके कॉलेज में, यानी आप जरूर लिखिएगा आप किस यूनिवर्सिटी से हो, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से हो, तो आप जरूर लिखिए कि मैं अवध यूनिवर्सिटी से हूं और मेरे यहां भरा जा रहा है या मेरे यहां नहीं भरा जा रहा है, ये कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। कम से कम मान के चलिए कि कम से कम 10 से 15 कॉलेज में जो है अब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाने लगा है, जो अपडेट मुझे मिली है। तो अब इतनी अपडेट थी, अगर आपको अपडेट समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो अपडेट, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने लिए सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अच्छी अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।